खरगोन जिले में भगोरिया हाट की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शासन की मनसानुरूप प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों सहित कामगार मजदूरों के प्रवेश पर सख्ती बरती जा रही है। इसी के मद्देनजर खरगोन जिले का आदिवासी समाज एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचा और भगोरिया हाट बंद कराने के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन ने बताया कि भगोरिया हाट बाजार बंद करें, जिससे समाज को संक्रमित होने से बचाया जा सके। वहीं जिला कलेक्टर अनुग्रह पी ने समाज के फैसले का स्वागत करते हुए उनका समर्थन करने की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कलेक्टर के पास पहुंची, किस प्रकार का तुम्हारा आवेदन? भगोरिया हाट बंद क्यों करना चाहते हैं कि पिछले साल भर से कोरोना महामारी के लिए स्कूलें बंद हुई है, उसके ऊपर सरकार नहीं ध्यान दे रही है और कोरोना महामारी महाराष्ट्र में काफ़ी जोर शोर से फैल रहा है। ये आप अखबारों में आप भी देखते हैं और न्यूज़ में भी जानते हैं। जानते हुए भी भगोरिया पर्व के लिए बड़वानी जिले में बड़वानी कलेक्टर ने घोषणा की है कि भगोरिया हाट भगोरिया पर्व मनाया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कोरोना महामारी से हमारा गरीब समाज बचे और भगोरिया हाट ना पड़े। ये भगोरिया कोई महापर्व नहीं है, पर्व नहीं है, एक हाट है, बाजार है। ये पर्व किस क्यों माना जाता है कि होली के त्यौहार में हमारे आदिवासी समाज में पहले ज़माने में पानी नहीं था, सिंचित ज़मीनें नहीं थी, तो चने गेहूँ नहीं पकते थे। किसी के यहाँ चने गेहूँ पकते थे तो भगोरिया हाट पड़ता था और चने के भोगड़े होली के इसमें पूजा में लगते हैं, तो इसीलिए भगोरिया पर्व माना जाता है। ये पर्व नहीं है, एक बाजार है, हाट है। जिस तरह पहले पर्व माना जाता था उसी तरह अभी हाट बाजार माना जाता है और कोरोना महामारी के चलते हुए हम भगोरिया पर्व को नहीं मनाना चाहते। ये पर्व नहीं है, हाट है, बाजार है। तो हम सबसे ज़्यादा सरकार से और कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि भगोरिया हाट के ऊपर कलेक्टर महोदय भी प्रतिबंध लगाए और समाज के गरीब लोगों को बचाए, क्योंकि महाराष्ट्र में गए हुए लोग मजदूरी से वापस आ रहे हैं भगोरिया के लिए, तो कोरोना महामारी की संक्रमित लोग वहाँ यहाँ वहाँ से यहाँ आएंगे तो महामारी यहाँ भी फैल सकती है। हमें डर है कि ये भोगरिया हाट बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलिराम सिन्हा, जागृत आदिवासी दलित संगठन। आदिवासी संगठन के लोग भी आए कि वो चाहते हैं कि भगोरिया नहीं लगे, महाराष्ट्र से कुछ इसमें व्यापारी भी आते हैं, लोग भी आते हैं, किस तरह से अब इसमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है? अभी जो है कोरोना का संख्या संक्रमित जो हो रहे वो संख्या लगातार बढ़ती आ रही है, इसको देखते हुए शासन ने भी गाइडलाइंस इशू किए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है भगोरिया का हम लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं, भगोरिया बहुत छोटी संख्या में ऑर्गेनाइज कराएं और अपने अपने जो है गांव में या मोहल्ला में कराएं, हाट बाजार में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। ये आदिवासी जो बैठे हैं बाहर, अब वो मांग कर रहे हैं, वो खुद भी मांग कर रहे हैं कि भगोरिया हाट ना लगा रहे। ये पब्लिक से जैसे आ रही है ऐसे रिस्पॉन्सेज, ये बहुत अच्छी है। अगर लोग समाज और स्वयं जो है ये डिसीजन लेते हैं, हम जो है बड़ा हाट में नहीं लगाएंगे, ये स्वाहत के कड़ी है। महाराष्ट्र से अगर कुछ व्यापारियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा? ज़रूर, हमारा सात नाका जो है चालू है, हम मूवमेंट जो है लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ टेस्टिंग भी चल रही है, पर भौरिया के समय में जो है ज़्यादा मूवमेंट जो है आने की प्रतिबंधित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।